वानप्रस्थ आश्रम, बहुत सारे ये चार आश्रम, इनकी अलग अलग महिमा बताई गई है। अच्छा एक बात है, लेकिन आप पैदा होते ही सन्यासी तो बन सकते हो, ब्रह्मचारी बन सकते हो, लेकिन पहले गृहस्थ बन जाओ और फिर सन्यासी बनो तो भी एक बार चले। लेकिन अगर आपने ऐसा गड़बड़ कर लिया क्या कि पहले सन्यासी बन गए और बाद में मन नहीं माना तो गृहस्थ हो गए, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो पतन का कारण माना जाए। इसलिए इन सब पर भी यहाँ पर दृष्टि करनी, और मन्वंतरों की कथा में ये बताया गया है कि कलयुग की उम्र कितनी है। कलयुग की उम्र है 432,000 वर्ष। कलयुग से ठीक दुगनी आयु है द्वापर युग की, 864,000 वर्ष। 3 गुनी आयु है त्रेतायुग की और 4 गुनी आयु है सतयुग की। और अगर इन चारों युगों की आयु को अगर जोड़ लिया जाए, टोटल किया जाए, तो टोटल उम्र कितनी होती है, 43,20,000 वर्ष। और जब हम मानवों के 43,20,000 वर्ष बीत जाते हैं, तब जाके चारों युगों का एक चक्कर लगता है। और चारों युगों का ये जो चक्कर होता है, इसे चतुर्युगी कहते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं। भाई ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, 1,000 चतुर्युग। यानी जब चारों युग 1,000 बार बीत जाए, तब जाके एक दिन ब्रह्मा जी का और 14 मन्वंतर पूरे होते हैं। प्रत्येक मन्वंतर में भगवान का अवतार होता है। और जब हमारा नया साल आता है और पंचांग आती है, तो आप कभी पढ़ना उसे या किसी ब्राह्मण से आप पढ़वाइए, तो उसमें जो हमारे ज्योतिषी लोग हैं वो ये सारा विवरण विस्तार से देते हैं, पूरी गणना पूरी गणित की हुई उसमें जीत जाते। सृष्टि के शुभारंभ को कितने वर्ष बीत गए, ये जो वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है वो कौन सा कलयुग है, जो मन्वंतर चल रहा है वो कौन सा मन्वंतर है, ये सब भी उसमें पूरे विस्तार से दिया जाता है, सारी गणना गणित की हुई है। ये जो वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, ये 7वें मन्वंतर का 28वें नंबर का कलयुग चल रहा है, ये सारी गणना सब उसमें दी जाती है। लेकिन हम लोग तो अपना नया साल ही भूल जाते हैं, क्या मानते हैं, बस ये आया 1 जनवरी को उसी को मानने लगे हम लोग। जबकि वस्तुतः हमारा जो सनातन धर्म के अनुसार जो नया वर्ष नव वर्ष आता है वो कब आता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र की जो नवरात्रि आती है ना, बस उसी के अंतराल में वही हमारा नव वर्ष आता है। अच्छा एक और चीज देखिए, हमारे नव वर्ष में आपको सब कुछ नया नया सा दिखेगा। नव वर्ष आया हमारा और सुबह सुबह माताओं ने थाली आरती की सजा के माता जी की पूजा करने के लिए जाती दिखाई देती, वो उस तरह से नव वर्ष मनाते। फिर किसानों के यहाँ पर नई फसल आने लगती है, वो नई फसल के माध्यम से अपना नया वर्ष मनाते। और तो और हमारे जो प्रकृति पर अगर आप ध्यान दो तो आपको दिखेगा कि जो पेड़ हैं उनके जो पत्ते हैं वो झड़ने लगे और नूतन पल्लव सारी प्रकृति धारण करने लगी। सारा संसार हमारा नव वर्ष मनाता, सारा सब प्रकृति हमारे नव वर्ष मनाती। अच्छा एक और चीज देखो, हमारे सरकार का लेखा जोखा भी ना कोई नव वर्ष में मार्च करते हैं, वो भी वही पड़ता है। हमारे राम जी का जन्म महोत्सव भी तभी पड़ता है, तो कितने सारे उत्सव उसी समय पड़ते हैं। नव वर्ष को किस कितनी तरह से मनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग तो वही भूल जाते हैं। इसलिए जब हमारा नव वर्ष आए तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, और जब नव वर्ष हो प्रारंभ तो पंचांग हमें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें
या हम नहीं पढ़े तो किसी ब्राह्मण से पढ़वाना चाहिए, क्योंकि उसमें संसार का क्या स्वरूप है ये सब उसमें विस्तार से दिया जाता है। और ये सब बातें भागवत की आठवें स्कंध की प्रारंभ में की गई है। और इसी स्कंध में गज और ग्राहक की कथा भी आती है। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गज और ग्राहक की कथा को सुनाने से पूर्व सुखदेव जी परीक्षित से बोले, राजन सुख में दुख में सुमिरन सब कर, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तापो दुख ही काए को हो, दुख ही काए को हो। मनुष्य भगवान को सुख में भूल जाता है और जब दुख आती है तो तब जाके याद आते हैं, और दुख आते हैं तब भी कैसे याद आते हैं, उल्टा उनको जब दोष दे रहे होते हैं तब याद आते हैं, हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया। ये स्थिति। और अगर व्यक्ति भगवान को सुख में ही याद कर ले, सुख में ना भूले, तो फिर व्यक्ति पर परेशानी ही किस बात की आए, सारी परेशानियां तो अपने आप दूर हो जाएगी। और परीक्षित जी ने पूछा, महाराज मैं समझा नहीं, जरा ठीक से समझाओ। तो उन्होंने गज और ग्राह की कथा के माध्यम से समझाया कि त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का बड़ा मत वाला मस्त हाथी रहता, और उसे बड़ा घमंड था क्योंकि उसका परिवार इतना बड़ा था, 50 पत्नियां और 150 पुत्र, मस्त घूमता था। लेकिन एक दिन जब सरोवर में नहाने गया तो मगर ने पैर पकड़ लिया। मगर ने भी सोचा मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, आप तो जानती हो हाथियों को नहाने का बड़ा शौक। उसने स्टार्ट किया नहाना और मगर को हुआ डिस्टर्ब और उसने पकड़ लिया पैर। अच्छा सज्जनों, हाथी ने अपनी शक्ति सामर्थ्य से तो पूरी कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन उसका सामर्थ्य जब भाई मगर पानी का राजा है हाँ तो उसकी चलेगी, तो जब उसका सामर्थ्य काम नहीं आया तो उसने इशारा किया देवियों हमारी मदद कर। जब उनका प्रयास भी रुक गया तो हाथी ने सोचा, एक समय था मैं अपने परिवार पर कितना भरोसा करता था कि जब मुझ पर दुख मुझ पर संकट आएंगे तो ये मेरी मदद करेंगे, लेकिन आज सबने साथ छोड़ दिया। पत्नियां जाने लगी, आंगन में कब तक खड़े रहे, पूरा परिवार भूखा है, या तो अंदर ही चले जाओ या बाहर ही आ जाओ। लेकिन हाथी को बहुत बुरा लगा। अच्छा, हाथी के जैसे याद हमारा भी हो जाता है, हम लोग भी हाथी का देह बड़ा होता है तो हम भी अपने शरीर के अपने रूप स्वरूप और अपने सब का अहम। और अच्छा एक और चीज देखो, हाथी की सूंड बहुत लंबी होती है, बिल्कुल उसी तरह हम भी अपनी नाक अपनी प्रतिष्ठा रूपी नाक को खूब लंबी करके घूमते। अच्छा लेकिन यहाँ पर मगर ने पैर पकड़ा, उससे एक जब मृत्यु निकट है तब घबरा गए, वो भी करते ही लेकिन एक सीमा थी, बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों से इलाज कराएंगे, बढ़िया डॉक्टरों को दिखाएंगे, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, जितनी बन जाए उतनी सेवा कर लो, ना पसंद करता है ना उनसे कोई बात करना पसंद करता है। फिर एक समय वो आता है जब खटिया पे पड़े पड़े हो जाते हैं हम लोगों को 2-4 साल, तो घर वाले ही भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान अब इनकी जरा जल्दी सुन लो, या तो ठीक ही हो जाए या भगवान कोई प्यारे हो जाए, आगे कब तक सेवा करेंगे। इस स्वार्थी स्वरूप को आपको याद है सज्जनों, द्रौपदी की कथा। द्रौपदी के साथ क्या हुआ था, जब तक उसको अपने परिवार पर अपने 5 पतियों पर भरोसा था तब तक उसने साड़ी पकड़ रखी थी और विश्वास कर रखा था कि मुझे कोई ना कोई जरूर बच ले, लेकिन और तब तक भगवान भी उसकी मदद करने नहीं है। लेकिन जिस क्षण उसे विश्वास उठा कि अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, उसने साड़ी को छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा करके जैसे ही भगवान को पुकारा कि जाएगी लाज तिहारी, मैं तो मेरे का ही बिगड़े
फिर तो भैया भगवान ने देर नहीं करी और फिर तो 10,000 गज बल थक्यो, 10 गज खट्यो नचियो। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन भी थक गया, चूर चूर हो गया, लेकिन जरा सी साड़ी नहीं खींच पाया। तो हाथी भी समझ गया, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो, कोहू काहू कोनी। नानक जी का वचन है भैया, सुख में आन सभी मिल में तत रहत चहु दिस गेरे, और विपत्ति पड़ी तो सब ही संग छाणत, को न आवत मेरे। आदमी समझ गया, संसार के स्वार्थी स्वरूप को जान गया, और उसने जब सब संसार से विश्वास हटाकर गोविंद में विश्वास लगाया, गोविंद में ध्यान लगाया, और उसकी सुंदरी ही बची थी, बस उसी से ये कमल उठा करके भगवान के चरणों में चढ़ाया, तो भगवान ने देर नहीं लगाई। भगवान ने देखा ये तो पूरे डूबे जाना है, तो गरुड़ छोड़ करके खुद भागे और जा करके उसकी सूंड को पकड़ कर बाहर निकाल लिया। हाथी के साथ में मगर भी खेचर चला आया, और भगवान ने कभी अपना सुदर्शन चक्र छोड़ करके उसके सर को दर से अलग कर दिया और गज की रक्षा कर ली, गजेंद्र को बचा लिया। इस तरह भगवान ने गजेंद्र को तो बचाए ही, साथ में ग्राह का उद्धार कर दिया। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, प्यारी प्यारी माताओं मैनो श्रोताओ, ये हाथी और ये मगर दोनों ही संत से शापित थे। हाथी अपने पूर्व जन्म में एक राजा जो बैठ के भगवान का ध्यान कर रहा था, भजन कर रहा था, और सामने से अगस्त मुनि निकले, उनको प्रणाम नहीं किया। इस बात का महात्मा जी को बुरा लगा और उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया कि जाओ तुम हाथी बन जाओ। इसके बाद जब क्षमा याचना की, महाराज जी को दया आ गई, उन्होंने आशीर्वाद दिया जाओ हाथी का स्वरूप तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन हाथी के शरीर में भी भगवत भक्ति का जो स्वभाव है वो तुम्हारा बना रहेगा। इसलिए आगे उस हाथी ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने आने में देर नहीं लगाई। और जो मगर था, मगर कौन था, अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। अच्छा सज्जनों, पहले जो गंधर्व होते थे ना, वो बड़े अटपटे होते थे उनके नाम। कुछ गंधर्वों का काम गाने बजाने का होता था, तो कुछ लोगों का तो नाम काम होता था हंसाने का, मनोरंजन करने का, तो इनका नाम ही होता था भैया हा हा हू, ऐसे का नाम होते थे। तो इसका नाम था हु मगर का पूर्व जन्म। एक बार सरोवर में स्नान करने आया तो महाराज जी सूर्य को जल चढ़ा रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। इतने में ही इसको मजाक सूझी कि पानी में धीरे से गया और एकदम से जाकर महाराज जी का पैर पकड़ लिया। अब महाराज जी को लगा किसी जीव ने पकड़ लिया, तो वो चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्ला के भागे एकदम बाहर। और जैसे ही महाराज जी बाहर निकले, इतने में ही वहां से बाहर निकल करके हंसने लगा। तो महाराज जी डरा दिया ना मैंने आपको, महाराज जी के तो पसीने छूट गए। डांटते हुए बोले मूर्ख कहीं का, मैं अच्छा वाला भजन कर रहा था, मेरा पूरा माइंड डिस्टर्ब कर दिया, दिमाग खराब कर दिया। तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है ना, जब तू मगर ही बन जा। और जैसे शाप दिया तो गंधर्व को बुरा लगा, उसने महाराज जी से क्षमा याचना करते हुए कहा महाराज जी आपने क्या कर दिया, आपने मुझे श्राप दे दिया। अरे मैंने तो बस आपके पैर ही तो पकड़े थे, और मेरा तो काम ही है मनोरंजन करने का, मेरा तो आपको मनोरंजन करना चाह रहा था, मुझे नहीं पता था आपको इतना बुरा लगेगा। हाँ महाराज जी आपने मेरे को ठीक नहीं किया, आपको मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो महाराज जी को दया आ गई और उन्होंने कहा ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, इसी तरह पैर पकड़ते रहना, तुम्हारा कल्याण। जोर से बोलती है आप भी सज्जनों, और जोर से बोला। और इसके बाद क्या हुआ भैया कि महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, इसी तरह पैर पकड़ते रहना, तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा मगर के शरीर का। और आज इसने जब हाथी का पैर पकड़ा तो भगवान के हाथों इसका उद्धार हो गया। इसलिए तो संत लोग कहा करते हैं पैर पकड़ा करो, पैर पकड़ो, भगवान को पकड़ो।
लेकिन एक महात्मा जी तो बहुत बढ़िया बात कहते हैं, एक बढ़िया दोहा कहा है उन्होंने, और ध्यान से सुनिएगा और इसका अर्थ भी सावधान होकर निकालिएगा। क्या कहते हैं वो? पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। शायद ये दोहा आप लोगों को बहुत पसंद आया हो, है ना? लेकिन मैंने पहले ही कहा था इसका अर्थ सावधान होके करना। अर्थ क्या है? अब देखो पहली लाइन में क्या आता है, पाप करे प्रभु जी मिले, आप करने से कभी भगवान मिलते हैं? फिर क्या अर्थ है? पा माने पैर। शास्त्रों में रामायण में भी कई जगह पर पा माने पैर का प्रयोग किया गया है, मारत हूं पापरियत भारी, मतलब यहां पर पा माने पैर का प्रयोग किया गया, चरण। पाप करे नहीं, पा पके रहे, पा पके रहे, बस इसी तरह बोलते जाओ, आप पूरा अर्थ आपके सामने स्पष्ट हो जाए। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, सोया पाप करो सबको। वृंदावन बिहारी लाल की। तो संत लोग यही कहा करते हैं, पैर पकड़ो, और मान के चलो भगवान आपके पकड़ में नहीं आ रहे, तो एक और तरकीब है, एक और आइडिया है। क्या आइडिया है? आप एक काम करो, भगवान पकड़ में नहीं आते तो छोड़ो, किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे संत को पकड़ लो जिसमें भगवान को पकड़ रखा हो। तो मान के चलो किसी व्यक्ति ने करंट का तार पकड़ा तो उसे तो करंट लगेगा, लेकिन अब उसे जो पकड़ेगा उसे भी करंट लगेगा, है ना? बिल्कुल उसी तरह किसी ऐसे को पकड़ लो जिसमें भगवान को पकड़ा हो, तो फिर भगवान की कृपा उस करंट की तरह पूरी पूरी आपको जरूर मिल जाएगी। श्रोताओं, महानुभावों, प्यारे प्यारे माध्यम बहनों, इसके बाद में इस गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की है। एक पूरे अध्याय है जिसे हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। इसका जो लोग नित्य पाठ करते हैं, भगवान उनको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचाते हैं, उनकी समस्याएं दूर करते हैं, और इसमें भगवान की स्तुति करते हुए कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यतये तच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। इसके बाद आठवीं स्कंद में सज्जनों, प्यारी प्यारी माता बहनों, समुद्र मंथन की कथा भी आती है, और सुग्रीव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन एक बार क्या हुआ, दुर्वासा जी भगवान के परम धाम को गए, और वहां पर जब भगवान के इन्होंने दर्शन किए तो दर्शनों के बाद भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको अपने कले से माला उतार के पहना दी। अच्छा भैया, संतों के यहाँ पर भगवत प्रसादी का बहुत बड़ा मूल्य होता है, उनकी नजरों में बहुत बड़ी चीज होती। दुर्वासा ऋषि बड़े गदगद हो गए, देखो भैया भगवान ने अपनी माला पहनाई, अपने हाथों से हमें माला पहनाई, बड़े खुश हुए सज्जनों दुर्वासा जी। और बाद में जो भी मिलता उसी को माला देता था, देखो ये माला कैसी लग रही है, अरे हाँ महाराज जी बहुत बढ़िया लग रही है, कहाँ से मिली, अरे ऐसे वैसे थोड़ी मिली है, साक्षात भगवान ने अपने हाथों से पहनाई है उनकी माला, बढ़िया लग रही है महाराज। ऐसे सबको दिखाते फिर रहे थे कि रस्ते में ही इंद्र देखा, इंद्र अपने हाथी पर बैठ करके निकल रहा था, और वो था उस वक्त उसकी पद की गर्मी में, प्रतिष्ठा के अभिमान में। अच्छा, लेकिन दुर्वासा जी को प्रणाम न करें तो सब पर गुस्सा हो जाए, तो उसने उतर करके उनको प्रणाम किया। अच्छा, जब संत खुश हो जाते हैं तो माला पहना देते हैं, है ना? तो दुर्वासा जी ने भी उतार कर अपनी माला पहना दी, लेकिन सब लोग तो वो महत्व नहीं समझ पाते।
इंद्र को अपने पद का घमंड था और दुर्वासा जी ने माला तो पहना दी और साथ में जैसे ही ये बताया कि देखो ऐसी वैसी माला नहीं है इंद्र, भगवान की माला है, उन्होंने मुझे स्वयं दी थी, वही तुम्हें दे रहा हूं। इंद्र ने सोचा पहले भगवान ने पहनी, फिर हमें फिर इन्हें पहनाई, फिर सबकी पहनी पहनाई, हमें पहना दी। उसने वो महत्व नहीं समझा, लेकिन अगर ना पहने तो दुर्वासा ऋषि एक मिनट में श्राप दे दे चदर किनारे पहन ले। लेकिन फिर इसके बाद में जैसे ही दुर्वासा जी दूर गए, थोड़ी दूर गए थे, इतने में माला उतार के अपने हाथी पर फेंक दी। और दुर्वासा जी ने सोचा देखो उसे दूर से इंद्र कैसा लग रहा है मेरी माला में, दूर से जब माला को देखने के लिए मुड़ी, इतने में ही हाथी ने माला को सूंड में लपेटा, धरती पर फटका और पैरों से रौंद के आगे बढ़ गया। दुर्वासा ऋषि से देखा न गया, बहुत बुरा लगा, सोचने लगी भगवत प्रसादी माला कितने प्यार से मैंने इस मुक्त को पहनाई थी, इसमें एक मिनट में सब गड़बड़ कर दी। सज्जनों, फतेहगढ़ से कुछ भक्त लोग कथा में आए हुए हैं, आप उनका ताली बजा करके स्वागत कर लेती हैं। और हमारे कुछ भक्तजन निवाड़ी से कम मिलते हैं, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति के पास खुद के लिए समय नहीं है, तो वो सोचता है मैं भगवान के लिए समय कैसे निकालूं, क्यों निकालूं, क्या मिलेगा मुझे। लेकिन कुछ सच्चे भक्त भगवान के ऐसे होते हैं कि उन्हें रिजल्ट में क्या मिल रहा है ये नहीं देखते, बस वो तो भगवान की भक्ति में मस्त रहते हैं और उन्हें संसार की चिंता नहीं है। तो कुछ लोग सोचते हैं हम इस तरह भगवान की पूजा कर लें, अभी इस तरह से पूजा कर लें, कुछ भक्त सोचते हैं हम मंदिर जाके पूजा करें तो भगवान मंदिर जाने से खुश हो जाएंगे, कुछ सोचते हैं कि माला जपने से खुश हो जाएंगे, कुछ सोचते हैं दान करने से पुण्य मिल जाएगा। कई प्रयास करते हैं लोग, अलग अलग तरह के मानसिकता के लोग अलग अलग तरह से धर्म पुण्य में सम्मिलित होते हैं और भगवान से जुड़ते हैं, पर उसमें भी कभी कभी विघ्न आ जाते हैं, कभी कभी समस्या आ जाती है ना। इसलिए तीन बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार।
इसमें भी आते हैं गणपति बाबा।